नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है हमारी 28 मार्च 2020 की, हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या आ रही है उसको देखते हैं। और दोस्तों देखिए, कोरोना लॉकडाउन की अवधि और बढ़ सकती है, मरीजों की संख्या को देखकर होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपका जो लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, उसकी अवधि बढ़ सकती है। अगर दोस्तों एक चीज मान के चलिए, देश में दोस्तों अगर एक भी आदमी कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर हमें उसकी पहचान नहीं हो पाती तो दोस्तों वो एक आदमी ही पूरी दुनिया में कोरोना फैला सकता है। आपको बता दें दोस्तों, जो इंटरनेशनल में आप देखते हैं पूरी दुनिया में अब तक दोस्तों कोरोना के 5,96,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 27,000 लोगों से मतलब अधिक लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और अब तक 1,33,000 लोग सही भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की पीएनपी अपडेट्स क्या रही है 28 मार्च 2020 की, कि आपका पेपर कब तक होगा, ठीक है ना। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख 2020 को लेकर सारी अपडेट्स हम देखेंगे। और एक बात आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे, आपकी दोस्तों देखिए परीक्षा होगी जरूर, भले देर से ही सही। काफी लोग के मन में भ्रम आ रहा था कि यार पेपर नहीं होगा, हम सीधे अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग कक्षा 1 से लेकर 9 वाली क्लास में नहीं है या 11th में होते तो शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन दोस्तों फिलहाल आप में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आपके हर एक नंबर की वैल्यू होती है, उसी से आपके मेरिट बनती है, उसी के आधार पर आपको नौकरी दी जाती है, ठीक है ना। ये प्रोसेस हमने आपको पहले भी बताया कि जब तक दोस्तों आप पेपर नहीं देंगे तो आपकी मेरिट नहीं बन पाएगी, बिना मेरिट के आपकी नौकरी नहीं मिलती। अगर आप ये मान के चलिए, अगर आपको हाई स्कूल और इंटर में दोस्तों बार बार प्रमोट ही कर दिया जाए तो दोस्तों आप लोग डीएलएड में एडमिशन कैसे लेते हैं। आपको पता होगा ना, जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे उनको डायरेक्ट कॉलेज मिला और जिन बच्चों के नंबर कम थे वो प्राइवेट कॉलेज पाते हैं। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि आपको सरकारी कॉलेज तभी आपको मिल पाया जब आपके नंबर अच्छे थे। तो वैसे दोस्तों आपका पेपर तभी मतलब जो आगे चलकर आपको शिक्षक भर्ती में मौका दोस्तों या नौकरी आपको तभी मिल पाएगी जब आपके नंबर अच्छे होंगे, या ना दोस्तों सबको प्रमोट कर दिया जाए तो सभी के नंबर बराबर हो जाएंगे, फिर आपको नौकरी कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर दिक्कतें खड़ी होंगी। आपको एक और बता दें दोस्तों, जो बड़ी अपडेट्स होगी आप लोगों के लिए, आज तो हमारी 28 मार्च की तारीख है, लेकिन दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये आई कि एनटीए नीट 2020 दोस्तों नीट परीक्षा स्थगित की गई, 3 मई को आयोजित होने वाली थी। सोचिए दोस्तों, जो पेपर 3 मई को होने वाला था वो पेपर अब कैंसिल हो रहा है, तो आज तो हमारा मार्च ही चल रहा, मतलब पूरा अप्रैल। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि दोस्तों फिलहाल आपका कोई पेपर होने वाला नहीं है, ठीक है ना, कि अप्रैल में आप सोचिए कि आपका पेपर हो सकता है। तो अब अप्रैल के दोस्तों जितनी भी उम्मीदें बन रही थी वो खत्म हो चुकी हैं इस अपडेट के साथ, कि दोस्तों जब मई के पेपर अभी से कैंसिल किए जा रहे हैं तो आप अप्रैल में तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आपका पेपर हो सकता है। लेकिन हाँ, आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है हम आपको देते रहेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन है, तो उन्होंने दोस्तों जलाया सहायता का दिया, देंगे 1 दिन का मानदेय। जी हाँ दोस्तों, ये भी अपने सैलरी का 1 दिन दोस्तों जो महीने भर कमाते हैं तो उसमें से 1 दिन की दोस्तों अपनी सैलरी देंगे। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के पद सृजन घटा, प्रमोशन के मौके कम, शिक्षकों में फैली निराशा। इस अपडेट्स को भी दोस्तों देखते हैं कि आगे चलकर आप लोग टीचर बनेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, आगे चलकर आपको सारी अपडेट्स हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। तो आइए एक एक करके सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने जलाया सहायता का दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है, प्रधानमंत्री की ओर से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयास व गरीबों के लिए घोषित पैकेज की शिक्षा मित्रों ने सराहना की है। साथ ही शिक्षा मित्र ने भी 1 दिन का मानदेय सहायता कोष में देने का ऐलान किया है। देखिए प्रदेश सरकार भी इस संकट से लड़ रही है, जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सामाजिक संगठनों की ओर से संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर मास्क वितरित किया जा रहा है। उसी क्रम में आदर्श समायोजित शिक्षक या शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि इस संकट से लोगों को बचाने के लिए शिक्षा मित्र भी अपने अल्प मानदेय में से 1 दिन का मानदेय प्रदेश सरकार को राजकोष में देंगे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उपकरणों की खरीद हो सके। तो दोस्तों देखिए, सभी लोग अपनी सहायता कर रहे हैं, जब मतलब जिनसे जितना हो सक रहा है सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। देखिए आज हम एक ऐसे कंडीशन में आ चुके हैं ना कि हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना भी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, 2 वक्त की अगर आज आपको रोटी नसीब होती है तो आप मान के चलिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास भले कितने गाड़ी बंगले डॉक्टर क्यों ना हो, आपके पर्सनल भी होंगे तो भी दोस्तों वो आपको शायद कोरोना से वो ना बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति को आपने इंटरनेट पर काफी बार देखा होगा तो दोस्तों उसको कैसे ढक के ले जाया जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि अगर आपको कोरोना हो जाता है, अगर आपकी मौत भी हो जाती है, तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन आपको घर वालों को सिर्फ इतना दे दी जाएगी कि अब मरीज की मौत हो चुकी है, ना मतलब लास्ट टाइम ना तो आप उनको देख पाएंगे ना मिल पाएंगे।
तो सोचिए कितना खतरनाक ये वायरस है, पूरी दुनिया में फैल रहा है और अभी तक दोस्तों हमारा देश फिलहाल काफी हद तक सेफ है, सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय जो यूएसए में रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं कोरोना के, सोचिए एक दिन में 18-18 हजार केसेस आ रहे हैं। अब तक दोस्तों अमेरिका में जो मरने वालों की तादाद दिखा रहे हैं यहाँ पर 1693 पहुंच चुकी है। तो दोस्तों सोचिए 398, मतलब 400 के करीब अमेरिका में लोग एक एक दिन में मर रहे हैं। तो अब तो अमेरिका की दोस्तों हालत काफी खराब होती जा रही है। देखिए जब तक इसकी दवा नहीं बन जाती, इसकी वैक्सीन नहीं बनती, तब तक दोस्तों आपको यही मान के चलना है कि हमें घर पर रहना है और बाहर नहीं निकलना है। आपको एक ही बता दें दोस्तों, अगर आप कोरोना के संक्रमण में आ जाते हैं, मतलब कैसे ना कैसे अगर आप तक कोरोना पहुंच जाता है, फिर दोस्तों अगर आपको समय से ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इतना मान के चलिए दोस्तों आपकी मौत निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ये बात डराने की नहीं हो रही, धमकाने की नहीं हो रही, बस आपको समझाने की हो रही है कि देखिए हमारे देश में दोस्तों वेंटिलेटर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोरोना होता तो सबसे पहले आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। उसका रीजन ये होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है ना, सांस लेने की दोस्तों जो बीमारी आपको पैदा होगी तो फिर आप सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर पर इटली पहुंच चुका है, 86 हजार से अधिक मामले इटली में दर्ज हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। अब तक दोस्तों देखिए 9 हजार से अधिक लोगों ने जान दे दी है। अब एक एक दिन में दोस्तों 919 लोग एक दिन में अपनी जान दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 919 लोग की डेड बॉडी एक दिन में, क्या बताएं आपको, समझ सकते हैं आप लोग। अब देखिए दोस्तों उसके बाद स्पेन में एक दिन में 773 लोगों की जान जाती है, ठीक है ना। फ्रांस में दोस्तों एक दिन में लगभग 300 लोगों की जान जा रही है, 299। जर्मनी में 84 लोगों की जान एक दिन में जाती है। साउथ कोरिया, मतलब दोस्तों हर देश में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरुआत से दोस्तों आप देख रहे होंगे जो कुछ देश है दोस्तों जहां पर इसके मामले अब 50 हजार या 50 हजार से अधिक भी हो चुके हैं। तो मतलब जब कोरोना दोस्तों बढ़ जाता है तो पूरा दोस्तों इसको मतलब रोक पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे दोस्तों इसमें आप अमेरिका में देख रहे होंगे, भले कितना पावरफुल देश है वो, लेकिन कोरोना से दोस्तों कोई जीत नहीं सकता, कोई जंग नहीं लड़नी है आपको, कोरोना को आप हरा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोरोना एक ऐसा वायरस है ना, अगर आपको मान लेते कोरोना हो जाता, जैसे दोस्तों मैं आपको बताया एक बार, आपको और हम समझा देते हैं कि आप घर से क्यों ना निकलें, गलती आप क्यों कर रहे हैं, बाहर निकल कर देखिए। अगर मान लेते दोस्तों कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप एक व्यक्ति है, इनको कोरोना हो चुका है। अब दोस्तों अगर ये व्यक्ति जाता है किसी बस स्टैंड में या कहीं पर भी जाता है, मतलब मान लेते हैं कि आप बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत ही ऊंची है, 100 मंजिल के फ्लैट है आपका, तो दोस्तों जब आप लिफ्ट वाली बटन को भी टच कर देंगे ना उसको, तो उस बटन में दोस्तों कोरोना वायरस का जो भी होगा वायरस वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों जिस जिस इंसान, मतलब वो इंसान जिस भी वस्तु को टच कर देगा, एटलीस्ट कुछ भी दोस्तों, आपकी गाड़ी को टच कर देगा, आपके दरवाजे को टच कर देगा, आपके कपड़े को टच कर देगा, आपको टच कर देगा, कुछ भी टच करता है आपके, मतलब बेड को, घर को, कुछ भी, तो सोचिए दोस्तों वो वायरस वहां तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए दोस्तों जो भी कोरोना होता है तो आप देखते होंगे पुलिस खुद आती है घर और आपको लेकर जाती है आपका चेकअप कराने, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सही सलामत छोड़ भी दिया जाता है। तो दोस्त इसी बात का डर है पूरी दुनिया में कि अगर हमारे देश में ये फैलेगा तो हमारे लिए आने वाले समय में दिक्कतें और भी ज्यादा पैदा हो जाएंगी। तो आपको भले सवाल आता है कि हमारा पेपर सर कब होगा, प्रथम तृतीय सेमेस्टर, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल लास्ट टाइम में आपका पेपर आकर कैंसिल हो गया, हो जाता तो आपके लिए ज्यादा फायदा होता है कि अब आगे का आप सोचते हैं कि अब द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में हमें क्या करना है सेकेंड और फोर्थ में, लेकिन अब वही आप पीछे के पीछे पड़े। देखिए आपकी जो लंबी छुट्टियां होते जा रही दोस्तों, जैसे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, ठीक है, तो देखिए हमारा जो डीएलएड का कोर्स होता है वो 2 साल का कंटिन्यू कोर्स है, इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों बीच में स्टॉप नहीं होता। जैसे दोस्तों आप एक बात मान के चलिए, जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद जो पढ़ाई का दोस्तों लेवल होगा, जितने भी शिक्षा विभाग में काफी चीजें रुक रहे हैं, देखिए काफी पेपर दोस्तों इसमें स्थगित हो रहे हैं, चाहे नीट का पेपर हो, जेईई के पेपर हो, सब दोस्तों रुका जा रहा है। लेकिन अब इस समय सबको पता है कि हमारी जान जरूरी है और आप घर से ना निकले। देखिए कुछ लोग बेमतलब का बेवकूफी कर रहे हैं, बाहर निकल निकल कर घूम रहे हैं, अगर दोस्तों वो ऐसे ही घूमते रहेंगे तो फिर ये संक्रमण दोस्तों देखिए फैलने वाला, घटने वाला नहीं है। तो हमने जैसा कि दोस्तों आपको बताया, जब आप इसकी टीवी में देखते हैं, डॉक्टर जब इतनी सेफ्टी के साथ रहते हैं तो दोस्तों उनको कोरोना हो जाता है किसी न किसी गलती के कारण, जबकि वो पूरा कवर होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सोचिए कि आप एक छोटा सा मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद ऐसे निकल जाते हैं, हाथों में ना तो आपके ग्लव्स होता है। और आपको मेन बात बताएं कि जो मास्क आप यूज करें, अगर आपके पास और भी मास्क हैं तो एक मास्क को एक दिन से ज्यादा यूज मत करें। जी हाँ दोस्तों, जब वो घर लौट कर आ रहे हैं उसी मास्क को दोबारा फिर निकलते समय लगाएंगे तो वो उतने ज्यादा किफायती आपके लिए नहीं होगा, इसका भी आप ध्यान रखिए। एक ही मास्क को दोस्तों आप रोज रोज पहनते रहेंगे ना महीनों भर तक, तो फिर उसकी जो पावर होगी दोस्तों वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों जो चीन में दोस्तों जो हमारे मामले आ रहे हैं, अब ये सही है कि झूठ है, देखिए एक दिन में सिर्फ 54 मामले आते हैं और दोस्तों एक दिन में अमेरिका में 18 हजार मामले आते हैं। समझिए दोस्तों चीन में क्या कर दिया आखिर ऐसा चीन ने कि
यहाँ पर दोस्तों मामले आने ही खत्म हो चुके हैं। देखिए चीन ने सबसे अच्छी बात यह की थी, पूरे शहर को लॉकडाउन का मतलब था दोस्तों, लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में लॉकडाउन हो गया, लोग घर पैदल ही निकल पड़े हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों लॉकडाउन का मतलब। देखिए मानते हैं कि गलती हमारी नहीं है, उन गरीब मजदूरों की नहीं जो आज पैदल जा रहे हैं, गलती उनकी है जो होते हैं ना अमीर घर के लड़के जो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। और दोस्तों सिंपल सी बात है, किसी को भी चाहे आप हो चाहे हम हो, हमें दूसरों की दोस्तों जान से खेलने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो सब आते हैं, आप देखे होंगे हमारे कुछ सिंगर्स, जी हाँ दोस्तों आते हैं, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस उनको हो चुका है। अगर दोस्तों समय रहता है, अगर कोई जांच करा ले, अगर आपको दोस्तों लगता है कि आप विदेश से आ रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा अगर दोस्तों आज की डेट में आपको बता दें, अगर आपके घर के आसपास कोई भी अमेरिका से आए हो ना, उससे भाई 1-2 किलोमीटर घर से दूरी बना लीजिएंगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। अमेरिका में दोस्तों मामले सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, हम लोग चीन को ही हमेशा देखते रहे, चीन में कुछ नहीं हो रहा, चीन से अगर जो है उसको रोकेंगे। लेकिन दोस्तों हमने अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, क्या दोस्त इस पर रोक लगाई गई? देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग घूमने काफी जाते हैं, तो घूमते घूमते देखिए इस समय स्विट्जरलैंड में 12,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। तो हर जगह दोस्तों मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल दोस्तों सिर्फ चाइना में हमें ऐसा दिख रहा है कि मामले पूरी तरीके से रुक गए हैं कि रोक दिया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको चाइना का देखकर। तो सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। देखिए एक और अपडेट आई थी पहले जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि पद सृजन घटा, प्रमोशन के लिए मौके कम होंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है ना दोस्तों, RTE 2019 उत्तर प्रदेश में 9 साल बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पदों का निर्धारण RTE के मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके कारण प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के प्रमोशन के अवसर कम हो चुके हैं। 2 साल पहले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आरती मानकों के अनुरूप पैट सृजन का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हो सका है, ठीक है ना। इस अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100 बच्चों तक 3 शिक्षक अनिवार्य है और 100 से अधिक बच्चों पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद है, 35 बच्चों पर दोस्तों एक शिक्षक अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये सब पूरा मामला है, तो ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देखिए आपको एक बात याद रखना, आपके पेपर कैंसिल दोस्तों जरूर हुआ है, लेकिन हाँ ये मत सोचिएगा कि अब आपका पेपर होगा नहीं, होगा जरूर, देर होगा दोस्तों, देर से ही होगा लेकिन होगा जरूर पेपर। और आपको बता दें कि आपका जो लॉकडाउन है उसको लेकर आप काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपका लॉकडाउन कब समाप्त होगा। तो देखिए लॉकडाउन को लेकर दोस्तों आपको ये बात समझ के चलना है कि जब तक दोस्तों मरीजों की संख्या ऐसे ही आती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तब तक आपको ये मानना है कि लॉकडाउन आपका समाप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर में रहेंगे, अच्छे रहेगा कि जब तक मरीज आपके एक भी दिखेगा तो दोस्तों आपका लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाएगा। और हमने जैसा आपको बता दिया दोस्तों, अगर एक मरीज को हम किसी मार्केट में छोड़ दें तो घर शाम तक लौटते लौटते दोस्तों उसी मार्केट पे सिर्फ एक मरीज के दम पर हो सकता है कि 1,000 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि आपको घर में रखा जा रहा है कि आप रहें, सुरक्षित रहें। देखिए आपके सेफ्टी के लिए होता है, हम लोग दोस्तों समझते नहीं है, काफी लोग होता है ना मजे लेने के लिए चलो सड़क पर घूम के आते हैं। देखिए दोस्तों 20 दिन बाद, 21 दिन के बाद दोस्तों जब लॉकडाउन समाप्त होगा या कुछ भी हमारे देश से जब कोरोना वायरस निकल जाएगा तब हम घूम सकते हैं, आजाद है, हमें किसी ने रोका नहीं। लेकिन हाँ आज आपको अपनी जान के लिए अपने घर पर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों जो आपका पेपर की तारीख आएगी सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल देगा। फिलहाल दोस्तों आपको जो परीक्षा हो सकती है वो अप्रैल में देखिए, अब उसकी पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब 3 मई को होने वाले पेपर कैंसिल हो रहे हैं तो आप अप्रैल में अंदाजा लगाना भी एक तरह से मूर्खता ही होगी। तो हमारा पेपर दोस्तों अब अप्रैल के बाद मई या जून तक जा सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।